हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस टाइप से अपने ओप्पो एन रियलमी के डिवाइस की यहाँ पे इंटरनेट स्पीड किस टाइप से हम यहाँ पे जो है इंक्रीज़ करेंगे। जैसे कि आप लोग कोई भी ऑपरेटिंग के सिस्टम ऑपरेटर की सिम यूज़ करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लीजिए जियो ले लीजिए, एयरटेल ले लीजिए या फिर आइडिया ले लीजिए, जिस भी सिम आप लोग यूज़ करते हैं वो सारी सिम के लिए ये ट्रिक जो है वर्किंग रहेगी। और जिसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले सेटिंग्स के बारे में बताऊँ, कुछ हिडन सेटिंग्स के बारे में जिसे आप लोग को फॉलो करना है, और लास्ट में मैं आप लोग को एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा जो कि आप लोग का दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा, जिससे आप लोग की इंटरनेट स्पीड यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा इसकी, हमारा फ़ोन जब भी फुल नेटवर्क रहता है या फिर आधा भी नेटवर्क रहता है, जिसमें कि हम पहले नेट चलाते थे उतने नेटवर्क में हमारा पहले नेट चलता था, बट कभी कभी होता है कि हमारा उतने ही नेटवर्क में जो यहाँ पे नेट नहीं चलता है, मतलब कि व्हाट्सएप के मैसेज तक नहीं आते या फिर मेल वगैरह आप लोग के फ़ोन में नहीं आता, या फिर आप लोग के फ़ोन में क्या होता है कि यूट्यूब की वीडियोस अगर देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा लैग होती है, जिसकी वजह से आप लोग का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। तो पहले भी मेरे फ़ोन में ऐसा हुआ करता था, बट कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम मेरे फ़ोन में सॉल्व हो चुकी है, जो कि मैं आप लोग को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस वीडियो में, इसलिए आप लोग को वीडियो पूरा देखना जरूरी है। इसमें 101% आप लोग गारंटी देता हूँ कि आप लोग की इंटरनेट स्पीड यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पर जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, एंड आप लोग के फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक से यहाँ पे कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी मैं ओप्पो का डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग रियलमी का डिवाइस भी यूज़ करेंगे तो दोनों में सेटिंग उसी टाइप की रहती है। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग ओपन कर लेना अपने डिवाइस। तो यहाँ पे हमने सेटिंग को ओपन कर लिया है, एंड आप लोग के फ़ोन में डुअल सिम एंड क्लियर डाटा की वो होगा, ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देना है और आप लोग के दो ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि सिम वन हो गया, सिम टू हो गया। तो जिस भी सिम से आप लोग नेट यूज़ करते हो, जैसे कि मैं सिम टू से करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिम टू सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, एंड यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जो कि जियो के सिम है मेरी, और एक्सेस पॉइंट नेम जो आप लोग दिख रहा है APN, इस पर क्लिक करना है, एंड जियो नेट जो रहेगा आप लोग का ऊपर में जो प्लस का जो आइकॉन दिखता है आप लोग को, इस टाइप का जो दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे कुछ आप लोग को सेटिंग्स फॉलो करना है जो कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला जो नेम रहता है हमारा, नेम यहाँ पे आप लोग जियो कर लीजिएगा। आप लोग अगर जो भी सिम यूज़ करते हो, जैसे कि एयरटेल, ओडा, जो भी करते होगे, सिम का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। APN में आप लोग को जियो नेट कर देना है गाइस, यहाँ पे हम जियो नेट करते हैं, एयरटेल नेट भी कर सकते हैं, ओडा नेट भी कर सकते हैं, आप लोग की सिम के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा नीचे आना है गाइस, एंड ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोग को जो बैरियर दिखता है अनसर्टिफाइड रहता है ना, तो इसे LD कर देना है। अब LD करने के बाद आप लोग को ऊपर जो दिखता है ओके का बटन, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे गाइस, एक ऑटोमेटिकली एक नया फोल्डर भी ओपन हो जाता है जो कि आप लोग का सेटिंग का रहता है। तो इस टाइप से हमारे सेटिंग का ओपन हो चुका है। ये तो हो गए हमारी फ़ोन की सेटिंग्स के बारे में। अब आप लोगों को करना क्या पड़ेगा गाइस, अभी भी आप लोग के फ़ोन की स्पीड जो यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं हुई, थोड़ी हद तक अभी तक इंक्रीज़ भी यहाँ पे नहीं हुई है। अब इसको सेटिंग का कॉम्बिनेशन मिलाने के लिए आप लोग को जो एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका लिंक आप लोग को वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर क्या क्या स्टेप फॉलो करना, सबसे पहले आप लोग जान लीजिएगा। तो गाइस, जैसे हम एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, इसका जो मीटर रहता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है, जो कि आप लोग 64 MB तक की आप लोग की स्पीड यहाँ पे मिल जाती है। आमतौर पे इतनी मिलती नहीं, बट मिनिमम आप लोग को जो है बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पे स्पीड मिल जाती है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे कि सेटिंग के ऑप्शन रहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर करना है कि आप लोग मैं बता दूँ, हाँ यहाँ पे डाटा ऑन कर लेते हैं अपने डिवाइस का, एंड यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कनेक्ट 3G+4G। तो स्टार्ट प्रोसेस पे अगर हम क्लिक कर देगा इस, तो यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेटिंग इंटरनेट स्पीड जो रहती है वो कैलकुलेट करेगा, और यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगी हमारी इंटरनेट स्पीड कितनी मिल रही है। एंड लास्ट में आप लोगों को एक ऑप्शन आता है जो कि अभी आप लोग को मैं बताऊँगा। जैसे अभी हमारी इंटरनेट स्पीड देखते कि 0. मतलब लगभग 1 MB की स्पीड हमें यहाँ पे मिल सकती है, बट आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नीचे जो दिखता है ऑप्टोमाइज इंटरनेट पे, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, अभी तो मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी कम है एंड मीडियम भी नेटवर्क है मेरे फ़ोन में, तो ऑप्टोमाइज जैसे मैं करूँगा गाइस, तो बहुत हद तक यहाँ पे हमारी इंटरनेट स्पीड यहाँ पे बढ़ जाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े देर में हमारी इंटरनेट स्पीड बढ़ जाती है। आप लोग मिनिमम एक दिन में अगर आप लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो 4 से 5 बार इसे करिएगा, आप लोग की इंटरनेट स्पीड काफ़ी हद तक हमें बढ़ जाती है गाइस। और दो जो मैं सेटिंग आप लोग को बताया हूँ, वो सेटिंग के कॉम्बिनेशन से आप लोग की इंटरनेट स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, क्योंकि मैं इसे जो है यूज़ किया और मेरे फ़ोन में अभी तक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नेटवर्क का इशू यहाँ पे नहीं आया, ना ही मेरे फ़ोन में ऐसा कोई लैग वगैरह देखने को मिलता है जब भी मैं कोई वीडियो देखूँ
तो एंड एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद की, वीडियो पसंद से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड जो भी डाउट होगा कमेंट करना बोले, हम उस वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने जय माता दी।